हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। तो और वीडियो में तो खैर बताने के लिए कुछ इतना है नहीं, थोड़ी बहुत हार्ट टू हार्ट बातें कर लेते हैं। तो आज ये ऑल स्टार लीग स्टेज इसका लास्ट डे यार, लास्ट डे। और आईएट की पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यार मुझे उम्मीद पूरी है आईएट स्पोर्ट्स से कि वो कमबैक दिखा सकती है। इस तरीके से उन्होंने पीएमजीसी में कमबैक दिखाया था। और यार कल के मैचेस के बाद आईएट स्पोर्ट्स के प्लेयर भी काफी ज्यादा डिसहार्ट है, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी फोटोज और वीडियोज वगैरह सामने आ रही है। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मोमेंट में जितना हो सके आईएट वालों को डीएम करो, उनको स्टोरी में टैग करो, वीडियोज में मेंशन करो, और अभी भी मैचेस में 2 से 3 घंटे मौजूद हैं, उनको जितना हो सके कॉन्फिडेंस दिलवाओ। इंशाल्लाह वो आज के दिन में हमें उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और यार इसके अलावा कुछ प्लास्टिक जो है वो भी काफी ज्यादा हेट देना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जितना हो सके उन प्लास्टिक्स को इग्नोर करो और आईएट को जितना हो सके इस सिचुएशन में सपोर्ट दिखाओ। और यार हेटर्स वगैरह के रिलेटेड एफएम रेडियो गेमिंग ने भी अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में उनको जवाब दिया था, और काफी गुस्से में जवाब दिया था। तो आप लोग वो स्ट्रीम का पार्ट भी चेकआउट करें। आईएट को छोड़ो, जो टीम डिजर्व करती है उसको सपोर्ट करो। हमारी मर्जी, हमें आईएट अच्छी लगती है, हम आईएट को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी रीजन में आईएट ही डिजर्व करती है, वही यहां तक पहुंची है तो उसी को कर रहे हैं। तू जित कितने होर पेश कर, किसी नु होर जाके किसी नु दे, जो तुम्हें लगता है ना जो डिजर्व करती है तू उसको सपोर्ट कर। हमें तो यही नजर आ रहा है कि यही डिजर्व करती है इस टाइम पाकिस्तान में, और तो कोई टीम है नहीं, तो लिहाजा हम उसी के साथ जाएंगे। कंट्री के बाद जिसने चिकन किया भाई उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी भाई, उसने अच्छा चिकन डिनर किया। ओवरऑल हमने तो अपनी कंट्री को सपोर्ट करनी है ना, ठीक है। डीआरएस ने चिकन किया अच्छी बात है, हमने जी जी बोला है, लेकिन हम अपनी कंट्री को छोड़ के अब दूसरी कंट्री को तो नहीं सपोर्ट कर सकते ना। हाँ, अगर हमारी टीम ना हो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी कंट्री की टीम है, चाहे वो परफॉर्म नहीं कर रही, हम तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना। अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरों के पास चले जाएं, जहां पे जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको सपोर्ट किया, उसको बोला जी जी गुड गेम। फुदू जमन कंधा कमन अकन साले मेरे आए ना ए फुदू। डीआरएस ने चिकन किया भाई, जीजी गुड गेम, हमने बोला अच्छा चिकन किया उन्होंने। अब ये थोड़ी कि हम बोले जी नहीं, हमने आईएट को सपोर्ट नहीं करना, वो सही नहीं खेल रही, हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे और किसी को करेंगे, ऐसे नहीं होता भाई। मुश्किल टाइम में ही पता चलता है कौन किसकी टीम को, अपनी टीम को सपोर्ट करता है या नहीं। तुम जैसे साले कुत्ते बिल्ले दिन में हजारों आते हैं, हमने फिर भी जिस जो डिजर्व करती है अपनी कंट्री से उसी को करना है। अपनी कंट्री हर किसी को प्यारी होती है, चाहे जैसी भी हो। बगैर इसके अलावा आईएट स्पोर्ट्स को सपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने कुछ स्टोरीज भी शेयर की थी, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यार ट्रेंडा ने भी रिसेंटली अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई थी, जिसमें उन्होंने सपोर्ट के रिलेटेड लिखा, थैंक फॉर द सपोर्ट, वी आर नॉट डन येट। और आईएट स्पोर्ट्स के ट्रेंडा तो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बगैर उम्मीद है कि आज के दिन में आईएट स्पोर्ट्स जो है वो अपना कमबैक लाजमी दिखाएगी, और जितना हो सके सपोर्ट दिखाओ। बगैर रात में मिलते हैं, और रात की वीडियो में देखते हैं कि आईएट स्पोर्ट्स जो है वो मेन इवेंट के लिए क्वालिफाई कर पाती है नहीं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।